58.5। एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए डेसिमल हटा तो नीचे कितना 100। हमें तो यही वाला कैलकुलेशन आता है, तुम लोग जल्दी जल्दी कर गए तो बात अलग। और यहाँ से डेसिमल हटा तो ऊपर कितना 10। ए कैंसिल, ए कैंसिल, 1/10 मतलब कितने मोल, 0.1 मोल आ गए। ठीक है, ये मोल निकाल लीजिए, अच्छे से बोलो दिमाग में फिट करते जाओ कैसे चल रहे हैं सर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया है 400 ml, तो किससे डिवाइड कर दे 1000 से, तो कितना लीटर आ गया 0.4 लीटर। ठीक है, रैंडमली कर रहे हैं अभी, है ना, जब एंट्रेंस टेस्ट देना है ना तो इतनी सी जगह में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे तरह तरह कर लेते हैं, ये तो बच्चों जैसे है ना। तो आंसर भी आ गया, मोलरिटी 0.1 मोल 0.4 लीटर, डेसिमल से डेसिमल कैंसर 1/4 नहीं जाएगा, 10 कर देंगे तो 4 2 8 बची 2, तो 4 5 20, तो कितना हो गया 0.5। ऐसे यहीं से पढ़ लेते हैं, 1/4 मतलब क्या 0.25 मोल पर, हाँ या मोलर। ठीक है, मोल जी आ गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं और बाकी अब हम कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसमें है 6 ग्राम यूरिया। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, अगर यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो कोई मोलर मास नहीं निकल पाओगे आप। तो हम आपकी हिंट कर देते हैं, याद कर लीजिए NH2C double bond O NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। N का मास कितना होता है सबको पता ही होगा 14, कार्बन का सबको पता होगा 12, ऑक्सीजन का सबको पता होगा 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। आप जोड़ोगे तो इसका 60 निकल आएगा, है ना, 60 ग्राम पर मोल। 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 700 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन कराने का हमारा मेन आशा है कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, फिर तो बड़े बड़े करेंगे, है ना। ये भी आए हुए क्वेश्चन है, ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलेरिटी निकालनी है आपको। ठीक है, फिर कल मोलेरिटी नॉर्मेलिटी के भी करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी पढ़ाई अब कल करेंगे। आराम से आना घर, कुछ भी चीज़ को टच मत करना। पढ़ के आओ भाई कल, ठीक है, सुनेंगे संदीप, पढ़ाई करके आओ।